Hello all. Hello all. This is Dr. Gunjan Vishwakarma welcoming you all on Mindful Journey. Today's reading is about what the spirit want you to know. ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड या जिसको हम अपनी भाषा में ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, यानी वो ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है, जो आपके अंदर भी है और जो आपके चारों ओर भी है, तो ये ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, वट एवर यू कॉल दिस पावर, ये स्पिरिट आपसे क्या बात करना चाहती है, ये स्पिरिट इस वक्त में आपको क्या कहना चाहती है, इस क्वेश्चन पर मेडिटेट करके मैं टैरो कार्ड रीडिंग दूंगी। यदि आपको भी कोई गाइडेंस चाहिए हो भगवान से, अपने भगवान से, ईश्वर से, तो आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर इसमें कोई गाइडेंस मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग दीज कार्ड्स। और ये एडवाइस किसी भी बारे में हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली इश्यूज से रिलेटेड हो सकती है, मतलब इन जनरल लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि कार्ड जो है वो इस तरीके से पुल होंगे कि उनमें लगभग हर मैटर के लिए आपको एडवाइस मिल सकती है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में उस कार्ड को देखकर कोई पर्टिकुलर मैसेज आता है तो आप उस मैसेज को ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। What spirit wants to tell you? What spirit wants to talk about? Let's check. The bottom of the deck is the Hierophant. Very clear message is here. Let's now check more. I think I should spread all the cards first, then we will. Okay. So the bottom of the deck is saying Hierophant. Hierophant is a very, पहली बात तो आप इसकी जो इमेज है उसको देखिए, इट इज अ गॉड लाइक फिगर, इट इज अ वेरी प्योर एंड डिवाइन काइंड ऑफ फिगर इज दिस। सो जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि वॉट दी गॉड वॉन्ट्स टू टॉक से यू, तो यहाँ पर ये गॉडली काइंड ऑफ अ इमेज हैज अपीयर्ड, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट इज हियर। ओके, सो वॉट एवर द मैसेजेस विल बी इन दीज टैरो कार्ड्स इज डायरेक्टली फ्रॉम स्पिरिट। सेकेंडली हायरोफेंट, हायरोफेंट इज अबाउट मैरिज, हायरोफेंट इज अबाउट ट्रेडिशंस, हायरोफेंट इज अबाउट रिलीजन, एंड हायरोफेंट इज अबाउट प्रोमिसेस। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके दिमाग में भी कोई बात हो तो इससे रिलेटेड ये आगे आने वाले जो मैसेज है इससे रिलेटेड होंगे। मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशन, रिलीजन एंड प्रोमिसेस, ये मैं आपको इसमें बता सकती हूँ। इसमें यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये कार्ड में आपको दिखता है, यहाँ पर दो कीज बनी हुई हैं, चाबियाँ बनी हुई हैं। तो जो कुछ भी इश्यू है ना उसमें जो की है यानी कि जो सॉल्यूशन है वो दो लोगों के पास में, या इसके दो सॉल्यूशन है, या फिर एक के बाद एक दो स्टेप्स इस प्रोसेस के अंदर हैं। मतलब जो भी आगे हम बात करने वाले हैं इसमें या तो दो स्टेप्स हैं, या इसमें दो सॉल्यूशंस हैं, या दो लोगों को मिलकर इसमें कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, ऐसा ये कोई मैटर हो सकता है। लेट्स चेक मोर। ओके ओके
ये है नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये फ्रीडम का कार्ड है और इसमें दो तीन मैसेज निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि इस वक्त या तो हो सकता है आप अकेले हों, लेकिन अकेले होने का मतलब दुखी नहीं है, आप अकेले हैं, स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग, आपने इस कंडीशन में आने के लिए आपने समय लगाया है, मेहनत लगाई, मतलब आप ऐसी फ्री हैप्पी लाइफ अभी या तो जी रहे हैं और इसको जीने के लिए आपने मेहनत करी है। और सेकंड चीज, आप मैरिड हैं लेकिन इस वक्त आप सिंगल हैं, या तो आप फिजिकली सिंगल हैं मतलब अपने पार्टनर से आप अलग रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, या फिर आप मेंटली अपने आप को मतलब फ्री महसूस करते हैं, आप बाउंड महसूस, आप इस मैरिज में अपने आप को बाउंड महसूस नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस मैरिज से अनबाउंड होना चाहते हैं, आप इस मैरिज से फ्री होना चाहते हैं। तो दो तीन तरह के मैसेजेस यहाँ पर हैं। आप एक मैरिड लाइफ में हैं लेकिन आप मैरिज में होते हुए भी आप सिंगल या अलोन या इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने पार्टनर से फिजिकली दूर हैं या आप उससे मेंटली दूर हैं, और अपने पार्टनर से दूर रहकर आप दुखी नहीं हैं, आप इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा इसके अंदर मैसेज है। लेकिन या तो इस सेपरेशन की वजह टावर है, टावर माने समथिंग बैड हैज हैपेंड, जो आपकी मैरिज मतलब मैरिज जो होती है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनी होती है। वो मैरिज का जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो होता है फेथ और लव, लव एंड फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ अ मैरिज। और अगर हम चार स्तंभों की बात करें फाउंडेशन की, तो मैरिज, फेथ, फिर उसके बाद में आ जाता है मनी। मनी भी मैरिज में एक कॉमन फैक्टर होता है, और किड्स, मनी एंड किड्स, ये जो है, और उसके अलावा लव एंड फेथ, ये चार चीज़ें होती है मैरिज के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ, ये चार जो स्तंभ है ना मैरिज के आपके, या जो भी पर बिजली गिरी हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैं इसको आपको क्लियर दिखाती हूँ, ये लाइटनिंग हुई है और इस लाइटनिंग से इस टावर में आग लगी है और इसका जो टॉप फेज है ये उड़ गया है और इसमें से लोग नीचे गिर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन बनी है आपके कि आप मैरिड थे लेकिन कुछ ना कुछ आपकी मैरिज में है तो प्रॉब्लम है, या कुछ इस तरह का कुछ हुआ है कि अभी फिलहाल आपने अपने आप को या तो सिंगल कर लिया है या आप सिंगल करना चाहते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे कि टावर जो है ना, अभी केवल टॉप गिरा है इसका, बाकी का पूरा टावर ये खड़ा हुआ है, मतलब ये मैरिज टूटी तो नहीं है, ये मैरिज टूटी नहीं है, लेकिन इसका जो टॉप क्राउन मतलब जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है एक मैरिज का, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है, लव एंड फेथ, ये इस मैरिज में से खत्म हो गया है। लेकिन बाकी के जो इसका बेस, इसका बचा हुआ, इसका बेस है फाइनेंस एंड किड्स। तो आपकी मैरिज अभी भी टिकी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, या तो आप कॉमन फाइनेंस शेयर करते हैं या बच्चों की वजह से आप इस मैरिज को आपने विदस्टैंड कर रखा है। पर इसकी जो ब्यूटी थी इस टावर की, क्राउन है यहाँ पर, ऊपर क्राउन है, ये क्राउन फॉल ऑफ हो रहा है, मतलब जो ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशन हैज, और ये बिजली गई भी ब्यूटी के ऊपर ही है। तो आप में से किसी एक पार्टनर ने या दोनों पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है कि द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशन इज डैमेज्ड, और हालांकि ये रिलेशनशिप अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर इसके अंदर की जो पैशन था, इसके अंदर का जो लविंग लविंग और केयरिंग काइंड का, जो नर्चरिंग काइंड का जो चीज थी ना, वो इसमें से खत्म हो गई है। और इसका जो नुकसान हुआ है दोनों पार्टनर को है, इसमें से दो लोग नीचे गिर रहे हैं, दो फिगर्स यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह की कोई कंडीशन के ऊपर डिवाइन आपसे बात करना चाहता है। और इसके बाद दो चीजें और हैं, ये फोर ऑफ पेनेकल्स है, फोर ऑफ पेनेकल्स कार्ड भी दो तीन ही मैसेज दे रहा है। एक तो पहली चीज ये कि इस मैरिज की ब्यूटी खत्म हो चुकी है, फिर भी आपने इस मैरिज को ना फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से इसको आपने रोक रखा। आप देख रहे हो कैसे ये व्यक्ति जो है पैसों को पैरों से दबा रखा है, हाथ पे पकड़ रखा है, सिर पे रख रखा, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपने इस रिलेशन को भी लगाया, रोक रखा है। और दूसरी चीज,
इसका मतलब ये भी होता है कि आपने अपने जो ओरिजिनल फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, उनको आपने छुपा के दबा के रखा है। आप जो कुछ सोच रहे हो एक्चुअल में वो आप उसको आप छुपा के रखा है, आपने अपनी फीलिंग्स को दबा के छुपा के रखा है। जस्ट अ सेकेंड, मेरा इसका बैटरी लो हो गई है, मैं पावर ऑन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ वाइल। सो इस तरह की ये कोई कंडीशन बन रही है। तो पहली रो को तो हम इस तरह, जिस बारे में आज स्पिरिट आपसे बात करना चाहती है वो आपकी मैरिज रिलेशन है, जिसमें आप अकेले हैं या अकेले होना चाहते हैं और फ्रीडम फील करना चाहते हैं, क्योंकि इस मैरिज के ऊपर कुछ इस तरह का बिजली घिरी है, मतलब लाइटनिंग थंडर बोल्ट ऐसा कुछ हुआ है कि इस मैरिज की ब्यूटी, इस मैरिज का फेथ और लव खत्म हो गया है। पर ये मैरिज अभी तक चल रही है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड बिकॉज वन ऑफ यू और टू ऑफ यू बोथ आर होल्डिंग देयर ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो वो कहना चाह रहे वो नहीं कह रहे, कारण क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज किया तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, ये सिचुएशन बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली बात है कि ये जो सिचुएशन बनी इसमें कोई व्यक्ति खुश तो नहीं रह सकता। तो इस वक्त जो आपकी स्थिति है वो ये फाइव ऑफ कप्स जैसी स्थिति है, मतलब मोस्ट ऑफ द ब्यूटी हैज बीन स्पिल्ड। जैसे ये जो फिगर है ना, ये फिगर इस नुकसान को देख रहा है, ये फिगर सौरो में है, गिल्ट में है, और काला ड्रेस इज लाइक सौरो एंड हैवीनेस। तो ये लाइट माइंड नहीं है, ये बहुत हैवी माइंड में है और ये इस स्पिल्ड मिल को देख रहा है, मतलब इसको पता है कि क्या क्या नुकसान अभी हो चुका है, हालांकि पीछे दो कप और है, मतलब अभी पूरा नुकसान हुआ नहीं, ये रिलेशनशिप पूरा खत्म हुआ नहीं है। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक नदी है ना, और नदी के पार उस तरफ वहां पर एक घर या इस तरह की बिल्डिंग कुछ बनी हुई है। सी, तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन नदी के पार वहां पर कुछ नया बिल्ड करने की संभावना है। और ये नदी किसकी है? इमोशंस की नदी है, मतलब आपने अपने इमोशंस को अगर ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने इमोशनल बैलेंस में आ गए, तो कुछ नया क्रिएट किया जा सकता है, भले इस मैरिज में या इस मैरिज के आउटसाइड, लेकिन कुछ भी नया। यहाँ पर तो जो है जो क्रिएट किया था उसमें बहुत नुकसान हो चुका है, तो अब कुछ नया अगर क्रिएट करना है तो ये नदी के पार क्रिएट करने की संभावना है। और ये व्यक्ति जो है ना, ये न तो अभी उस नई संभावना को, अपॉर्चुनिटी को देख रहा है, ये अभी सिर्फ इस नुकसान को ही देख रहा है। और दूसरी चीज, इस नदी को पार करने के लिए इधर ब्रिज भी बना हुआ, आप देखो कि यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस बैड सिचुएशन से निकल कर इस ब्रिज को पार करके ये किसी न्यू बिल्डअप की तरफ जा तो सकता है, लेकिन अभी ये सैड मोड में है और अभी इसको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई है। और ये है 1 2 3 6 ऑफ वांड्स। इसके दो मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो ये कि ये व्यक्ति ना सफल होना चाहता है, अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, और जो आप हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप इस मैरिज को भी सक्सेसफुल बनाना चाहती थे, आप इस मैरिज को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से आप इस नाइन ऑफ पेनेकल यानी अलग हो जाने के मोड में नहीं थे, आप चाहते थे इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि आप अभी भी कुछ चाह रहे हो कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकल जाए जिससे कि ये मैरिज बच जाए। और यहाँ पर इस फिगर ने ना यहाँ पर एक क्राउन पहन रखा है, ये देखिए एक लीव्स का क्राउन पहन रखा है, और ऐसा ही एक क्राउन इसके पास में है। इसके दो मैसेजेस हैं, मतलब ये जो बंदा है
ये जिस तरह का उसका पैटर्न है, इसका सोचने समझने का या इसका थिंकिंग का पैटर्न है, इसको अपनी मैरिज पार्टनर से, मतलब अपने लाइफ पार्टनर से भी इसी तरह का थिंकिंग पैटर्न, यानी उसको वो चाहता है कि मेरे मेरा जो लाइफ पार्टनर है ना, उसके विचार और मेरे विचार मिल जाएं। अगर मेरे और इसके विचार मिल जाते हैं तो ये मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। ये भी है कि इस अगर ये हस्बैंड है तो इसने अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ बदलने के लिए कहा है कि मतलब तुम अगर ऐसा कर लो या ऐसा बदल जाओ तो ये मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन वाइफ हो या हस्बैंड हो, या मतलब वाइफ चाहती है अपने हस्बैंड से कुछ चेंज आती, या हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ में कुछ चेंज आता है, और जो हस्बैंड है या वाइफ है उसने ये मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया ये जो इसका ऑफर है ना कि वी कैन बी सक्सेसफुल टुगेदर, बस तुम ये वाला चेंज कर दो अपनी लाइफ में। लेकिन जो भी इसका जो पार्टनर है ना, उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये अभी भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं इस पार्टनर के साथ में, मेरे को सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड में भी मल्टीपल मैसेज है। देखिए ये जो फिगर है ये डेथ की तरफ देख रहा है, मतलब ये फिगर को अब ये पता चल चुका है, कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि इसको पता है कि अगर ये ज़रूरी चेंजेस नहीं किए गए लाइफ के अंदर तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। और ये मतलब वॉन्ड लेकर हाथ में इस तरफ बढ़ रहा, वॉन्ड लेकर हाथ में इस तरफ बढ़ने का मतलब ये मूड बना चुका है अपना कि अगर मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा या चेंज होने को तैयार नहीं होगा तो मैं डेथ की तरफ, मतलब मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की तरफ बढ़ जाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये इस इधर बढ़ गया ना, ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो गई तो इस व्यक्ति की लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये व्यक्ति की जो अभी की जो स्थिति इससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस व्यक्ति को बिल्कुल कुछ नया मिलेगा। और नया क्या मिलेगा वो यहाँ अगले कार्ड में, टेन ऑफ पेनेकल्स, टोटल अबंडेंस, टोटल प्रॉस्पेरिटी, टोटल फाइनेंशियल, टोटल मटीरियल सक्सेस, टोटल लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर है, मेल फीमेल फिगर है, और यहाँ पर डॉग है, मतलब एक कंप्लीट फैमिली लाइफ, एक कंप्लीट फैमिली लाइफ विद कंप्लीट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ये सब इसको मिल सकता है। दोनों कंडीशन में मिल सकता है, या तो इसका जो पार्टनर है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए तो ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब ये डेथ कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये पार्टनर इसके हिसाब से चेंज हो जाता है तब तो ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और इसी मैरिज में, जिस प्रेजेंट मैरिज में, उसी में टेन ऑफ पेनिकल्स वाली एनर्जी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर ये दोनों के बीच में इस तरह का कोई सक्सेसफुल बॉन्ड नहीं बन पाता तो ये मैरिज ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद में दोनों पार्टनर को, आई थिंक दोनों ही पार्टनर अपनी अपनी जब लाइफ में जाएंगे ना, दोनों को अपनी हैप्पीनेस, अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म करने से ये दोनों पार्टनर जो है मिजरी में आ जाएंगे, परेशानी में, ट्रबल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में इसके पास में, इस व्यक्ति के पास में, दोनों के पास में कंडीशन सेम है। अगर ये इसी मैरिज को अच्छा बना लेंगे तब भी इस मैरिज में हैप्पीनेस है, और अगर ये इस मैरिज से बाहर भी निकल जाते हैं तब भी इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ये सेकेंड रो बता रही है। मतलब आई थिंक डिवाइन जो है ना आपको ये गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि भाई टावर में मत रहो, मतलब कुछ तो भी यहाँ पर गड़बड़ हुई है, उस चीज पर अटके मत पड़े रहो। ये जो है ना, ये अटकने का, मतलब स्टक होने का कार्ड है। तो डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहा हुआ है यहाँ पर, वो ये गाइडेंस दे रहा है, डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि अकेले रहना या मैरिज से भागना, जैसे आप देख रहे हो ये इससे इसने मुंह मोड़ लिया इस तरफ, तो अकेले रहना, रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लेना, और टूटे फूटे घर को मेंटेन करना और अपनी बात को ना कहना, इन एनर्जी से, और ये दुखी रहना, मतलब उदास रहना, दुखी रहना,
इससे आपको आगे बढ़ के कोई एक्शन लेने की जरूरत है। वॉन्ट्स माने एक्शन लेने की जरूरत है। वो एक्शन आप जो भी लो ना, दोनों तरह से आपकी जीत ही होने वाली है। अगर आप इस मैरिज को कैसे भी करके कोशिश करके सक्सेसफुल बनाने की आपकी इच्छा है, तब भी इस मैरिज में गुड टाइम आ जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते इसको कॉम्प्रोमाइज करना, तो अगर आप इस रिलेशन को खत्म कर देते हो ना, तब भी आप गुड टाइम में आ जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल फोर ऑफ पेनिकल्स की कंडीशन है, मतलब आपने जो चेंज जरूरी, जिस चेंज की इस रिलेशनशिप में जरूरत है, वो आपने नहीं कर रखा है। इसीलिए आप अपनी प्रोस्पेक्ट, आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी या मेरे को मटेरियल सक्सेस नहीं मिल पाएगी अगर मैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप को या तो आप सुधार दीजिए या फिर इस रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाइए। दोनों ही कंडीशन में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप स्टक रहे, आपने इस चीज को ठीक नहीं किया, तो आप कभी भी मटेरियल सक्सेस में नहीं जा पाओगे। जो है उसी को बचा बचा के फीलिंग्स भी बचा रहे हो, मतलब आप अपनी हैप्पी भी नहीं हो, पैसों की भी तंगी है, कमी है, या फाइनेंशियल ट्रबल्स आपको रहेंगी लाइफ में। कब तक रहेंगी ये फाइनेंशियल ट्रबल्स और ये जो वैचारिक आपका ये विचार है ऊपर सर पर जो पेनिकल रखा हुआ है ना, ये बोझ, तो ये सब आपका कब तक रहेगा? जब तक आप कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लोगे। आप दोनों ही तरह से, आप डेथ का मतलब आप इस करंट सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, या तो इसको आप सुधार दीजिए या तो इसको आप खत्म कर दीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको ही नहीं आपके पार्टनर को भी इसमें सक्सेस मिलेगी। पर इस जगह पर स्टक मत रहिए, ये आपको डिवाइन का मैसेज है। जो हम क्वेश्चन हमने पुटअप किया था कि स्पिरिट हमसे क्या कहना चाहती है, तो स्पिरिट हमसे ये कहना चाहती है, ठीक है, ये मैसेज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रो देखते हैं कार्ड्स की। इस टेन ऑफ पेनिकल्स एनर्जी में जो आप जाना चाहते हो ना, इसकी शुरुआत करने का समय आ गया है। मतलब आपने अब तक बहुत इस चीज को पोस्टपोन किया होगा जरूर, लेकिन अब कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है आपकी लाइफ में कि आप इस नई शुरुआत को, एस ऑफ पेनिकल्स इज लाइक स्टेबल न्यू बिगिनिंग। तो अब इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से हटाने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू स्टेबल बिगिनिंग के लिए समय आ चुका है। और ये यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके पास कोई गाइडेंस भी है, आपके पास नया ऑफर भी है, और अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया और आपने इस स्टेबल ऑफर को आपने ले लिया, तो ये जितने बर्डन है ना आपकी लाइफ में, बर्डन है, दिस इज ऑल बर्डन, ये बर्डन को रख कर, ये बटन को रखकर, और आपके पास बहुत सारे नए ऑप्शंस होंगे। अभी तो जैसे आपके पास ऑप्शंस इतने कम है कि जो भी ऑप्शन है उन पे आप चिपके हुए हो, कम ऑप्शंस के ऊपर आप मतलब होल्ड कर रखा है। लेकिन अगर आपने इस कोई स्टेबल ऑफर है आपकी लाइफ में और स्टेबल ऑफर को आपने लेके ये ले लिया जैसे ही, तो ये आप बर्डन फ्री हो जाओगे। और बर्डन फ्री होने के बाद में बहुत से ऑप्शंस होंगे आपके पास, बहुत से नए रास्ते खुल जाएंगे आपके पास जाने के लिए, अबंडेंस के लिए, है ना। ये स्नेक इज लाइक हीलिंग, तो हीलिंग के लिए, अबंडेंस के लिए, न्यू बिल्डिंग के लिए, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और जिस हैप्पीनेस, जिस खुशी, जिस फुलफिलमेंट की आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, दिस इज वेटिंग कार्ड, एंड दिस मैन इज वेटिंग फॉर द ही शिप्स टू कम। मतलब ये जैसे लाइक शिप पोर्ट पर खड़ा है, बंदरगाह पर खड़ा है, और अपनी शिप्स के आने का इंतजार कर रहा है कि मेरी शिप्स आने वाली है। तो उस तरह का ये जो वॉन्ड है ना, यहाँ पर एक वॉन्ड यानी निकल पड़ना इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर, निकल पड़ना इस अबंडेंस की जर्नी पर, निकल पड़ना, तो इस यही वॉन्ड यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में। तो जब ये अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर निकल पड़ा और इसने अपने स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर को ले लिया, इसने अपने बर्डन्स जो थे उनको रख दिया, और जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन का इसने चुनाव कर लिया, तो इसका ये जो वेटिंग लाइफ में, जो एक एंडलेस वेटिंग तरह का जो चल रहा है ना, ये इसके सॉल्व हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। दिस इज द मैसेज ऑफ द डिवाइन।
अभी हम इसको जेन कार्ड से हम इसको क्लेरिफाई करते हैं. लास्ट मैं तीन कार्ड पुल करूंगी एंड लेट्स चेक कि और फाइनली फाइनली क्या मैसेज आ रहे हैं. ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस कार्ड. अबंडेंस मतलब वही टेन ऑफ पेनेकल्स. ये टेन ऑफ पेनेकल्स के आप पूरे हकदार हैं इस अबंडेंस के, इस कलर के, इस इक्वल पार्टनर के, अपने अपने बराबर के पार्टनर के, अबंडेंस के, रेनबोज के, मतलब हैप्पीनेस के आप पूरे हकदार हैं. डिवाइन आपको ये अबंडेंस प्रोवाइड करना चाहता है. यही बात वापस सारी निकल के आ गई. चेंज कार्ड का नाम है चेंज. समय बदलाव का आ चुका है. इस टर्मोइल से अभी आप फंसे हुए, इस टर्मोइल में फंसे हुए, इससे निकलने का समय आ चुका है. अपनी सेरेनिटी में, अपनी कामनेस में, अपनी हैप्पीनेस में जाने का समय आ चुका है. इस कार्ड और इस कार्ड में दोनों में ही जो फिगर है ये अकेले फिगर है, पर इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है. इस कार्ड में जो फिगर है ना ये येलो एनर्जी. येलो एनर्जी मतलब सोलर प्लेक्स एनर्जी में है, यानी कि थोड़ा जैसे लोअर चक्रास जो है उन एनर्जीज में, थोड़ी लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी. ये अकेलेपन का कार्ड है लेकिन ये लोअर चक्रास एनर्जी है, मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी. यहाँ पर भी फिगर अकेला है लेकिन ये ब्लू जो होता है, दिस इज लाइक थ्रोट चक्रा और उसके ऊपर जो व्हाइट है यानी क्राउन चक्रा, ये हायर एनर्जी है. अकेले आप इस कंडीशन में भी हैं लेकिन अकेले चेंज के बाद हो सकता है. चेंज जब आप अपनी लाइफ में जब चेंज लाना चाहें तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको अकेले रहना पड़े या आपको कुछ समय अकेले बिताना पड़े. पर ये जो अकेलापन है ये सेरेनिटी है, ये कामनेस है, ये पीस है. दिस इज नॉट लाइक अलोननेस. और इस अलोननेस के लिए अगर आप रेडी हो जाए, इस चेंज के लिए अगर आप रेडी हो जाए तो पॉसिबिलिटीज, बहुत सी पॉसिबिलिटीज है और आपके पास बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होगा. जैसे ईगल है यहाँ पर, तो ईगल जो है बहुत ऊपर से चीजों को देख पाता है और बहुत वाइड रेंज में चीजों को देख पाता है. मतलब आपके पास में जो ये है ना कि जितनी पॉसिबिलिटीज है आपके सामने सब खुल के आ जाएंगी. तो ऐसी कंडीशन है, आप बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अपनी लाइफ को देख पाओगे और आप टोटैलिटी यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेथ कार्ड है ये आपका, यही इसको बता रहा है. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने अपनी लाइफ का कर दिया तो आप इसी फ्री स्विंगिंग मोड में आप आ जाओगे और आप अपनी अबंडेंस में टैप कर जाओगे. ये दोनों कार्ड जिस तरीके से आए ना यहाँ पर, ये दोनों कार्ड इसी तरीके से आए. मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज टोटल अबंडेंस, दिस इज टोटल अबंडेंस. तो ये सेम चीजें जो हैं वो कार्ड बता रहा है. ये जो है ना टावर एनर्जी, ये टावर एनर्जी यहाँ है और ये जो पेंटिकल का कार्ड है वो यहाँ है और ये आपका ये वाला कार्ड यहाँ है, ये कार्ड यहाँ है और ये कार्ड यहाँ है. मतलब वही दूसरे डेक में से भी हमने जो पुल किए कार्ड उनका यही निचोड़ निकल के आ रहा है. स्पिरिट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है आपके लिए. सो लेट्स वाइंड अप दिस रीडिंग. मैं आपको एक बार इस तरीके से, मतलब वर्टिकल रीडिंग भी मैं करके देखना चाहती हूँ क्योंकि हम इसको डबल चेक कर सकते हैं. इस आपके पास कोई स्टेबल ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटी रेडी खड़ी है लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी देख नहीं रहे क्योंकि आप गिल्ट सोरो की फीलिंग में, आप दुखी उदास वाले अभी मूड में हैं. और ये जो दुखी उदास और आप है ना, ये आपकी मैरिज में प्रॉब्लम की वजह से आप हैं और इस मैरिज ने आपको बहुत बर्डन दिए, बहुत प्रॉब्लम दिए. हालांकि आप इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे लेकिन बहुत कोशिशों के बाद अब आपने क्या किया, अपने आप को अकेला निकाल लिया, इस मैरिज में से अकेला निकाल लिया है. और आपके पास अभी भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं अकेले रहना ही एक ऑप्शन नहीं, आपके पास लाइफ को बेटर करने के लिए और भी ऑप्शन है और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है. अगर आपने अपने आप को बदल लिया
तो आप इस बर्निंग लाइफ में से बाहर निकल सकते हो। आप इस वेटिंग मोड से, मतलब अच्छी टाइम का वेट करने के मोड से आप बाहर आ सकते हो और आप एक कंप्लीट अबंडेंट लाइफ पा सकते हो, बशर्ते कि आपने ये जो क्लोजनेस यानी विदहोल्ड करने की जो आपकी टेंडेंसी, इसको आपने छोड़ दिया तो आप इस अबंडेंट लाइफ में आ सकते हो। अगर आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो तो टोटल अबंडेंस भी आपके लिए तैयार है। अगर आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी जो साइलेंस, जो अलोननेस है ना, वो साइलेंस में यानी पीस में बदल जाएगी। और जब आप अपने खुद के साथ एक सरीन पीस और हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे तो आपकी लाइफ से ये सारे टर्मोइल यानी इम्बैलेंस एनर्जीज निकल जाएंगी और आपकी लाइफ अभी जो है उसे टोटल चेंज हो जाएगी। तो ये मैसेजेस थे जो डिवाइन या स्पिरिट आपको देना चाहते थे। टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव वॉट इज नॉट रेजोनेटिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई विल बी बैक सून। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।